कैसे आप सब BTS फैंस की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती है, गुस्सा दिलाती है। इस दुनिया में जितने भी फैंडम हैं उनमें सब में कुछ फैंस बहुत पागल होते हैं, सारे के सारे फैंडम में। और उन ही टॉक्सिस फैन और पागल फैंस की वजह से अच्छे फैन का नाम खराब होता है। मैंने लगभग हर फैंडम में ऐसे अजीब लोग देखे हैं, पर आज हम बात करेंगे कुछ पागल या निब्बी फैंस के बारे में। हमारे इंडिया में निब्बी छोटी एज की गर्ल्स को कहते हैं, निब्बी निब्बा। स्टार्ट विथ दिस, इंडियन आर्मी बस कुछ ही दिन की है लेकिन BTS आर्मी परमानेंट है। आखिर इंडियन आर्मी ने किया ही क्या है, जिंदगी दी है अपने देश को। जंगकुक की वाइफ मतलब इंडियन, ऐसे कोई भी लोग जिन्हें अपने देश या कल्चर से बड़े अपने आइडल लगते हैं, तो वो चाहे कहीं के भी हो, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मलेशिया और अमेरिका से भी कुछ लोग मुझे सुनते हैं, आप चाहे कहीं से भी हो, आप लोग बस एक हफ्ते के लिए अपने देश के बॉर्डर के सबसे पास वाले गांव में जाकर रहना, ठीक? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिर सोल्जर बॉर्डर पर क्या करते हैं, तुम्हारे लिए क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे से पता चलेगा। क्या है कि अभी तो इन जैसे लोग वो अपने आलीशान घर की चार दीवारी में AC कूलर में बैठे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, खुद के देश में क्या चल रहा है। अगर कभी साउथ कोरिया का मेरे देश से या आपके देश के साथ लड़ाई हुई तो BTS साउथ कोरिया का ही साथ देंगे, और उनका ऐसा करना सही भी है। भाई वो साउथ कोरिया में पले बड़े हैं, वहाँ खा पी रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, कमा रहे हैं, वैसे ही हमें हमारे देश का साथ देना है। तो आइडल को हम कितना भी प्यार करें, वो प्यार अलग है, पर आइडल कभी भी, चाहे वो BTS हो या दुनिया का कोई भी आइडल क्यों ना हो, वो देश और कल्चर से बड़ा नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहेंगे, हाँ अब तो BTS आर्मी है ही नहीं। बेटा 2016 सितंबर 2016 में पहली बार मैंने जेहोप को देखा था, तब से मैं BTS के साथ हूँ, 7 साल हो गए मुझे पूरे। लेकिन मुझे पता है कि आइडल के लिए प्यार अलग है और देश और कल्चर सबसे पहले आता है। देश, कल्चर और BTS तीनों का बैलेंस बना के चलती हूँ मैं। सबसे घटिया कमेंट लगा ये मुझे। नेक्स्ट, लाइव में बकवास करने वाले फैंस, JK के लाइव में आई हेट यू जन जंगकुक, जिमिन के लाइव में आई हेट यू पाक जिमिन, वी के लाइव शट एंड ईट। इस लाइव में वी खाना खा रहे थे तो उनको कमेंट किया, चुप रहो और खाना खाओ, जंगकुक कहाँ है उसे इनवाइट करो। वाओ कितना फ्री टाइम है इन लोगों के पास, जिन लोगों को पसंद नहीं करते फिर भी उनके लाइव देखते हैं, वाओ। लाइव में सबसे गंदा कमेंट पता है क्या होता है, जब कोई दूसरे मेंबर के लिए पूछता है, जो लाइव है उसे देखो, अगर उसे देखना पसंद नहीं है तो लाइव बंद करो और कुछ और काम करो ना, सिंपल। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे फैंस जिनके पास ना दिल है ना दिमाग है, ये अलग ही ग्रह से हैं। ये कमेंट JK के हिप थ्रस्ट से हैं, यानी इसके, जंगकुक फ्यूचर वाइफ गुड लक, आई वंडर हाउ जंगकुक्स एस गर्लफ्रेंड आर स्टिल गोइंग, हिज वाइफ और हस्बैंड इज गोना हैव ए फन टाइम इन बेड LOL। बाकी पढ़ाने के लायक नहीं है, मतलब ये डांस देख के तुम्हारे दिमाग में ये सब आया, बींग RAPED मतलब ज़बरदस्ती करना बाई BTS, ये क्राइम नहीं है, मेरा सपना है। मतलब अगर BTS उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो ये क्राइम नहीं होगा, ये उसका सपना है। जंगकुक एंड त्योंग लुक्स हॉट इन वाइट, आई जस्ट कैन नॉट, OMG त्योंग लव मी प्लीज, जंगकुक मेरे साथ ज़बरदस्ती करो। हिंदी में तब भी ईजी लग रहा है सुनने में, बाकी अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो RAPE, समझे? ये लोग क्या बोलेंगे ने? ओके, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास इन जैसे फैंस के लिए कोई शब्द हैं ही नहीं, मेरे ख्याल से आपके पास भी नहीं होंगे। दे आर डिस्कस्टिंग फैन। एंड लास्ट, वो फैन जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि BTS या आइडल के बारे में कब और कौन सी जगह में बात करनी है, यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये कमेंट,
तुम भी BTS आर्मी हो? आई लव BTS, पर्पल हार्ट, मेरा फेवरेट मेंबर ये है। डू यू नो BTS? आर्मी मेक सम नॉइस। क्यों क्यों मेक सम नॉइस? पार्टी में बैठे हो, क्लास चल रही ऑनलाइन। हो सकता है इन जैसे लोग अमीर हो, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके माँ पापा, उनके माँ पापा ने एक एक पैसा जोड़कर स्मार्टफोन खरीदा, उसमें नेट डलवाया ताकि उनके बच्चा ऑनलाइन क्लास ले सके। लेकिन कुछ निब्बा निब्बी फैंस वो स्पैम करके बैठे हैं कमेंट सेक्शन में। सोचो किसी बच्चे को अगर ज़रूरी सवाल पूछना हो तो कैसे पूछेगा वो? सारा कमेंट सेक्शन तो पर्पल हार्ट से भरा पड़ा है। कितने घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा या 2 घंटे की? अगर 2 घंटे अपने आइडल का नाम नहीं लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर इन 2 घंटों में स्टडी पर फोकस नहीं किया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने आइडल की बात कहाँ करनी है और कितनी करनी है। अभी हमने जितने भी फैंस देखे, इन्हें आप इनमेच्योर समझो या बेवकूफ़ या पागल या बच्चे, वो आपकी मर्जी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी आर्मी भी है जो बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। मैंने 6 महीने पहले इन पर वीडियो बनाई थी, रियल आर्मी जो वाकई अपने आइडल को बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें पता है कि हमारे अच्छे काम करने से आइडल का नाम भी आगे बढ़ेगा, तो वो हमेशा ही अच्छे काम करती है। डोनेशन देना, समंदर के किनारे फैले कूड़े को साफ करना, जिस जगह में पानी की कमी है उस गांव में पानी पहुंचाना, उस स्कूल में बुक्स और बैग देना, ऑर्गेनाइजेशन को दान देना, पेड़ लगाना, जहां बाढ़ या भूकंप आया है उन्हें कंबल और खाना बांटना, अपने आइडल की सॉन्ग की तारीफ़ करना, उन्हें अच्छे पॉजिटिव और प्यार भरे मैसेज करना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट, आप में से कई लोग पूछते हैं कि लोग BTS से नफरत क्यों करते हैं। कुछ लोग जेलस के वजह से ऐसा करते हैं, उन्हें जलन होती है BTS के इतने बड़े नाम को देखकर। और कुछ लोग, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग, इन जैसे नासमझ फैंस के वजह से BTS से नफरत करते हैं। रियली हम कुछ अच्छा या बुरा करते हैं तो हमारी परवरिश के ऊपर बोला जाता है ना, कुछ अच्छा करते हैं तो ओ तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, तुम्हारी उन्होंने अच्छी परवरिश की है। अगर कुछ बुरा करते हैं तो लोग कहते हैं कैसी परवरिश की है माँ बाप ने, माँ बाप ही ऐसे होंगे इसलिए बच्चे भी ऐसे हैं। अब चूंकि आप एक फैंडम से जुड़े हैं, चाहे वो BTS का हो या किसी और आइडल का, तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो आइडल की तारीफ होती है, बुरा करते हैं तो आइडल से नफरत की जाती है। यही सीखा अपने आइडल से, इसलिए इन जैसे नासमझ फैंस की वजह से BTS को काफ़ी हेट मिलता है। एनीवे, यू आर स्मार्ट एंड मैच्योर है ना माई बटरफ्लाई। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।